हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश और मैं बात करने वाला हूँ 4C718 कैनन GT4 RS के बारे में, जो कि ऑफिशियली इंडिया के अंदर जो है वो लॉन्च हो गई है। फ्रेंड, मैं बात करने वाला हूँ जो 4C की ये न्यू कार है, जिसके अंदर हमें किस तरह के इंटीरियर एक्सटीरियर एंड जो डिटेल्स जो है वो देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बेसिकली फ्रेंड, ये हमें एक ट्रैक फोकस स्पोर्ट्स कार देखने को मिलती है, जिसके अंदर हमें एक मिड इंजन जो है वह देखने को मिलेगा। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड, ये हमें इंडिया के अंदर 2.54 करोड़ रुपीज़ एक्सोन प्राइसिंग के साथ ही जो है वह देखने को मिलेगी। एंड फ्रेंड, इसके अंदर हमें मोर एग्रेसिव एक्सटीरियर के साथ हमें सर्वर एरोडायनामिक अपडेट्स एंड इसके अंदर हमें टॉप माउंटेड रियर स्पॉइलर एंड जो फ्रंट ग्रिल है वो भी हमें और भी लार्जर, इसके अदर साइड्स में हमें गाइडिंग वैंस, इसके अंदर में कार्बन फाइबर बोनेट जो कि हमें NACA डक्ट्स के साथ जो है हमें देखने को मिलेगा। पावर ट्रेन ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड्स, के अंदर हमें मिड माउंटेड 4.0 लीटर 6 सिलेंडर इंजन ऑप्शन जो है हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमें 493 BHP के पावर के साथ एंड 450 Nm टॉर्क के साथ हमें 7 स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही जो है हमें देखने को मिलेगी। एंड जो कार है फ्रेंड, 0 से 100 ओनली 3.4 सेकंड के एक्सेलरेशन रेट के साथ एंड इसके अंदर हमें 315 किलोमीटर की जो टॉप स्पीड है वो भी देखने को मिलेगी। एंड फ्रेंड, अगर मैं इसके अदर हाइलाइट्स के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें RS स्पेसिफिक सस्पेंशन सेटअप जो कि हमें 20 इंच के एल्युमिनियम व्हील्स के साथ जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड, ये हमें 408 mm हमें फ्रंट डिस्क के साथ एंड रियर में हमें 308 mm की हमें डिस्क ब्रेक सेटअप जो है हमें देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस कार के बारे में इतने ही फीचर्स एंड अपडेट्स हमें देखने को मिलते हैं। फ्रेंड, और व्हीकल्स के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं अब एक नया वीडियो लेके आऊँगा। एंड फ्रेंड, इसी तरह से अगर आपको हमारे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए ऑटोमेटिव वीडियोज़ के अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।